शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला सुद्धा हात लावू नका, उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार के प्रावधान सरकार से हम अपेक्षा करते हैं। एग्रो टूरिज्म एक ऐसी बात है जिससे ग्रामीण युवाओं के रोजगार में बहुत बड़ी पैमाने पे बढ़ोतरी आ सकती है। किसानों से जुड़े जो त्योहार है, जो परंपरा है, उसे अगर विश्व पटल पे लाया जाए, सर ओनली टू मिनट्स, ये मेरे चुनाव क्षेत्र का बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि विश्व पटल पे अगर इन त्योहारों को लाया जाए तो इससे टूरिज्म की में बहुत बड़ी मात्रा पे बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें से एक बहुत अहम मुद्दा है बैलगाड़ा, जो बुलक कार्ट रेस के बारे में हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए जो बैल इस्तेमाल होते हैं, ये खिलार बैलों की पैदाइश ड्राउट अफेक्टेड एरियाज में होती है, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में बेचे जाते हैं, और इससे न कि सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है। अंत में इतना ही बोलूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कहा था, शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला सुद्धा हात लावू नका, उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार के प्रावधान सरकार से हम अपेक्षा करते हैं। जब क्वेश्चन आवर में सुनते हैं तो हर बार हर एग्रीकल्चर के बारे में हर सवाल का जवाब उस मोड़ तक लेके जाया जाता है कि 6000 रुपया सालाना मिलेंगे, 6000 रुपया सालाना मिलेंगे, लेकिन दिन का 17 रुपया देकर हम किसान का सम्मान कर रहे हैं या किसान की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि क्या 500 रुपए महीने में घर चलाया जाना मुमकिन है? क्या 500 रुपए महीने में खेती की सहायता मुमकिन है? आज अगर मजदूरी की बात करें, महाराष्ट्र की मजदूरी का रेट मैं अगर बताऊं तो महिला मजदूर को 200 से 300 रुपए रोजाना मजदूरी दी जाती है, पुरुष मजदूर को 500 रुपए रोजाना मजदूरी दी जा सकती है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम किसान का डिडिम बजाना कितना मुनासिब है। एक तरफ हम लोग बात करें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, देश की अर्थव्यवस्था पांचवें पायदान पे होगी, चौथे पायदान पे होगी, उसी वक्त एक शर्मनाक जो बात सामने आती है, अकेले महाराष्ट्र में 2015 से 2018 के दौरान कुल 12,021 किसानों ने खुदकुशी की है। एवरी डे 8 फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड फ्रॉम 2015 टू 2018। सर अगर हम जाके बच्चे को बोलेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था आज पांचवें पायदान पे है, चौथे पायदान पे, मिठाई खाओ, बच्चा बोलेगा मेरा बाप वापिस। श्रीमती नवनीत राणा जी पहली बार सदन में आई है और ग्रामीण विकास में बहुत एग्रेसिव तरीके से बोलना चाहती है, पर कम समय में। पहले तो सभी को आज गुरु पूर्णिमा है, आपको इजाजत अनुमति नहीं दी है। गुरु पूर्णिमा आज गुरु पूर्णिमा है, तो जितने भी सांसद यहाँ पर बैठे हैं सभी का नमस्कार करके आशीर्वाद लेती हूँ और अध्यक्ष जी का भी। समय मुंबई जैसी शहर को, सिटी को बाजू में रखते हैं और सबसे पहला दुख अगर कोई देखता है तो महाराष्ट्र के किसानों के लिए बात करते हैं या सूखे के लिए बात करते हैं या आत्महत्या के लिए बात करते हैं। महाराष्ट्र पहले कुछ और चीज के लिए पहचाना जाता था और आज महाराष्ट्र कुछ और चीज के लिए पहचाना जाता है। पिछले 35 से 40 वर्षों में 3.5 लाख आत्महत्या किसानों ने की है पूरे देश में, और उसमें महाराष्ट्र में 80,000 किसानों ने अपनी आत्महत्या की है, और उसमें विदर्भ में सबसे पहले यवतमाल जिले में एक किसान ने आत्महत्या की थी, अपने साथ अपने पूरे परिवार को उन्होंने उस राह पे चलने के लिए मजबूर किया, और पूरे परिवार को उस वर्ष में 33 साल पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार को समाप्त किया। सबसे दुखद बात है कि आज भी हमारे महाराष्ट्र में सूखा है, आज भी हमारे महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि मेरी मांग सिर्फ एक मंत्री महोदय से इतनी है कि डेढ़ हमारे जो किसान बोई से लेके कटाई तक जो मेहनत करते हैं, जो उनकी लागत लगती है, मेरे से मुझे आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि हमारे महाराष्ट्र को आपके नजरों के सामने अपनी आंखों से देखकर उनकी स्थिति, जो उनकी मेहनत, जो उनकी लागत लगती है शुरुआत से कटाई तक, उन्हें राज्य सरकार को आपने अध्यक्ष महोदय आपने आदेश देना चाहिए कि राज्य सरकार ने उनसे सीधी खरीदी करनी चाहिए, ना कि बिचौलियों को बीच में रखना चाहिए। आज किसी बच्चों को, किसानों के बच्चों को अगर शादी के लिए किसी लड़कों को पूछते हैं तो किसानों के बच्चों से शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं होती कि किसान का बच्चा इनके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा। ये परिस्थिति आज हमारे देश में है। बिजनेसमैन हो या एजुकेशन फील्ड से कोई बिलोंग करता हो, शादी करना पसंद करते हैं, किसान पे इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा।
हम जब ग्राउंड पे काम करते हैं, जब बेस में काम करते हैं, जब ग्रामीण में घूमते हैं, तो उनकी परिस्थिति जो हिसाब से है वो मुझे पूछिए, हम उतने तक पहुंचते हैं। मैं बता रहा हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे किसानों के बारे में ऐसा बोला। किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ, किसानों के बारे में नहीं, किसान के बच्चों के लिए। जब लेके जाते हैं रिश्ता है, तो बोलते हैं किसान का बच्चा, इनके घर में हम अपनी बेटी नहीं देंगे। ये हालत हमारे यहाँ थी। आज सूखे के लिए किसी ने बहुत अच्छा हमारे जिले के लिए कहा है, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना इस बार वक्त पे है मेघा, किसी का घर गिरवी है। और मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 2015 से 2018 के बीच मैं जिस राज्य से आता हूं उसे महाराष्ट्र कहते हैं, और उस महाराष्ट्र में इन चार सालों के अंदर 12,021 किसानों ने आत्महत्या की है। यानी कि हर साल का अगर आप एवरेज निकाले तो 3,008 किसान हर साल मौत को गले लगा रहा है। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो 2018 तक के है, अब तो अच्छे दिन आ गए हैं, तो 2019 के जनवरी से लेके महज चार महीनों के भीतर 808 किसानों ने आत्महत्या की है। अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं सरकार की कुछ नीतियां गलत हो रही है, जिसकी वजह से आज हर रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मैं एक पत्रकार की हैसियत से मैंने इन किसानों की पीड़ा को, हर किसान की मौत जब होती थी तो हम कवर करने के लिए जाते थे। आखिर में एक ऐसी बात हो गई थी कि हमारा भी अंदर का जमीर मर चुका था कि हर रोज जाकर हम किसानों की आत्महत्याओं को कवर कर रहे हैं। आज अगर एक किसान मरता है तो आज अखबार में खबरें नहीं आती है उसकी, इसलिए नहीं आती है कि अब ये एक रोजमर्रा की बात हो गई है कि हर रोज किसान मरता है तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी हम खबर छापेंगे। पहले होता यह था कि एक किसान की मौत के ऊपर पूरे देश के अंदर चर्चा होती थी, लेकिन आज हर रोज महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के अंदर अगर ये हो रहा है, और किसका राज्य है, हुकूमत किसकी है, अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं ये नीतियों की वजह से हो रहा। ताजा आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आज शिवनेर प्राइमला सबस्क्राइब करा आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।